नमस्कार, मैं आनंदमयी बिहारी न्यूज से। मैं आपको आज मौसम के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा दैनिक जीवन सबसे ज़्यादा जिससे प्रभावित होता है वह है मौसम, और कोई खास प्रोग्राम मौसम देखकर ही बनाते हैं। तो आइए जानते हैं हम आज के मौसम के बारे में, आखिर क्या कहता है आज का मौसम। IMD मौसम रिपोर्ट के मुताबिक दिन शनिवार तारीख 3 अगस्त को बिहार के राजगीर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही आकाश में बादल छाए रहेंगे, गर्जना के साथ बारिश होने की भी संभावना बन रही है। मोतिहारी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ भी आकाश में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश होगी। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आकाश में बादल छाए होंगे और गर्जना के साथ बारिश होने की भी संभावना है। छपरा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आकाश में बादल घेरकर लगातार बारिश होगी। फोर्सबर्ग में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही आकाश में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। मधुबनी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादल छाए रहेंगे, गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। पूर्णिया में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही आकाश में बादल छाए रहेंगे और लगातार बारिश हो सकती है। सुपौल में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आकाश में बादल छाए रहेंगे और गर्जना के साथ बारिश होगी। पटना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही आकाश में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश होने की भी संभावना बन रही है। पिछले कई दिनों से दक्षिण बिहार में बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब बारिश की संभावना दिख रहे हैं, जिससे इन जिलों पर भी थोड़ा सा असर दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में बाढ़ आने की संभावना नहीं है, वहीं दक्षिण में सूखा से राहत मिलेगा और बारिश होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें।